को सुन रहा है और हमारा लीडर है इस वक्त प्रकाश अम्बेडकर, हमको उनको सुनना है। बस मैं दो बात आपसे कह के खत्म करूंगा। हम लोग यहां बैठे थे 4-5 दिन पहले और हमने संकल्प लिया है कि हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको किसी हालत में तब्दील नहीं करने देंगे। नंबर दो, हम लोगों से मोहब्बत के अंदर, हम अपने मुल्क को कई नामों से पुकारते हैं, उसमें हिंदुस्तान भी एक नाम है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे ये सीधेपन को हिंदुस्तान का मतलब हिंदू मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और आखिरी बात कहते हुए ये कहूंगा, अशोक भाई ने कुछ कानूनी बात कही, जहां तक मिनिस्टर का ताल्लुक है, ऐसे मिनिस्टर को तो न सिर्फ ये बर्तरफ करना चाहिए बल्कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आरएसएस ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया है और इस खतरनाक बयान की बुनियाद के ऊपर उनकी सारी रिकॉग्निशन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान को ललकारा है, उन्होंने हमारी फौज को ललकारा है। और ये शर्म की बात है कि उन्होंने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, हमको मौका दीजिए, हम अपनी फौज बदला देंगे। इसका मतलब ये है इन्होंने फौज बना ली है, इसका मतलब ये है ये हथियार इकट्ठे किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे दरमियान में कुछ ऐसे नासमझ लोग भी भेज देते हैं जो हमारी मीटिंगों को खराब करते हैं। ऐसे तमाम लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। हमको संविधान बचाना है। हम जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, हम लोग आपसे ये वादा करते हैं, आपका खून बाद में गिरेगा, पहले खून अब हमारा गिरेगा मुल्क के संविधान को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझते हैं ये अधिवेशन हमारा कामयाब है और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।